तो ये कई सालों से खराब है, 4-5 साल तो गाड़ियों को मेरे को भी हो गए देखते हुए। कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड के सामने पानी से लबालब भरी है सड़क। इस पानी से निकलने को मजबूर नागरिक और परेशान चेहरे, यह कहानी है कुरुक्षेत्र के विकास की। कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड से खेड़ी मारकंडा को जाने वाली सड़क पर भरा 2 फीट पानी परेशानी खुद बयां कर रहा है। जरा सी बारिश के बाद यहाँ पानी खड़ा होना आम बात है। इससे बड़ी मुसीबत ये है कि इस जगह पर अस्पताल भी है, आयल सेंटर भी है, लेकिन परेशानी सभी को और सुध लेने वाला कोई नहीं। क्या कहते हैं स्थानीय निवासी इस समस्या को लेकर, आइए सुनते हैं। आपके सामने आप देखिए कि कितना पानी गया हुआ है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे है? सरकार कुछ कर नहीं रही है। आपके सामने देखिए यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे सारा दिन यहाँ पे रस लगा रहता है। बस स्टैंड के बिल्कुल सामने देखिए भाई साहब का कितना टायर जा रहा है पानी में। सड़क तो ये कई सालों से ख़राब है, 4-5 साल तो गाड़ियों को मेरे को भी हो गए देखते हुए। और ये रोड ये वाली नहीं, आगे जाके भी पूरी रोड काफ़ी ख़राब हो रखी है, इसके बारे में कोई नहीं सुनता। बताइए, इस रोड पर अस्पताल भी है यहाँ पर? हाँ अस्पताल है, पूरा ही ट्रैफिक पूरा चलता है। कॉलेज वगैरह भी हैं, 2-3 कॉलेज हैं यहाँ पर, और हॉस्पिटल भी हैं। बाकी है कि कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। तो बताइए, परेशानी तो बहुत ज़्यादा सर आपके सामने दिख रही जी। बारिश सारी सड़क टूट रही, दूर नए अड्डे से लेके और खेड़े मार्केट तक सारी टूट रही बिल्कुल। पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है जी, दिक्कत ज़्यादा है। हाँ हॉस्पिटल भी है जी, कॉलेज भी है इस रोड पे, और कॉलोनी भी बहुत बड़ी है सर। और मेन रोड हो गई तो सारी सवारी से, सारा रोड सारा यहीं से जाते हैं सारी सवारी।